गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आपको पता है हम कर रहे हैं लेसन नंबर 7 सिविक्स का, दैट इज अनपैकिंग जेंडर। ठीक है ना, हम जब से हमने चैप्टर स्टार्ट किया हम तभी से डिस्कस कर रहे हैं कि अनपैकिंग जेंडर का मतलब क्या है, कि सोसाइटी में जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, जेंडर को लेकर जो इनइक्वालिटीज हैं उनको ख़त्म करना। ठीक है, दैट इज अनपैकिंग जेंडर। ठीक है, तो अभी तक हमने इसमें पढ़ा जेंडर इक्विटी के बारे में। ठीक है ना, कुछ रिफॉर्मर्स के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो जेंडर इक्विटी का हमने पढ़ा था कि जेंडर इक्विटी मतलब क्या करना है हमें, मैन और वीमेन को जो है इक्वली ट्रीट करना है। ठीक है, उन दोनों के जो उनके साथ जो भी ट्रीटमेंट करना है, उनके साथ जो बिहेवियर करना है वो इक्वल होना चाहिए, इक्वल उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, इक्वल एजुकेशन उनको मिलनी चाहिए। ठीक है, ये आ जाता है इक्विटी में, मतलब समानता होनी चाहिए दोनों जेंडर्स में। यानी है कि एक को इन्फीरियर बताएंगे, एक को सुपीरियर बताएंगे, ऐसा नहीं करना है। उसके बाद हमने पढ़े थे रिफॉर्मर्स के बारे में। रिफॉर्मर्स कौन होते हैं? रिफॉर्मर्स वो होते हैं जो सोसाइटी में चेंज लाते हैं, और चेंज कैसी? अच्छी चेंज। ठीक है ना, जैसे हमने इसमें बात करी थी, हमने पढ़ा था कौन कौन से रिफॉर्मर पढ़े, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र, विद्यासागर। ठीक है, और भी बहुत से थे। इसके अलावा जो वीमेन थी रिफॉर्मर्स, जैसे एनी बेसेंट आ गई, सरोजनी नायडू आ गई। ठीक है ना, इन लोगों ने क्या किया था? इन लोगों ने सोसाइटी को चेंज किया था, सोसाइटी की जो थिंकिंग थी उसको चेंज किया था। किसके लिए? कि लोगों की जो औरतों के बारे में सोच थी उसको चेंज किया, क्योंकि औरतों को जो था वो इन्फीरियर माना जाता था, कि उनको ये माना जाता था कि उनका काम क्या है, उनका काम सिर्फ घर में रहना है, बच्चों की देखभाल करना है, फैमिली की देखभाल करना है और घर का काम करना है। ठीक है ना, उनको जो था मैन के बराबर नहीं समझा जाता था। तो जब ये लोग आए, इन्होंने देखा कि वीमेन के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है सोसाइटी में, तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि ये क्या करेंगे, उनका जो स्टेटस है उसको अपग्रेड करेंगे। ठीक है, उनका जो स्टेटस है उसको थोड़ा बेटर बनाएंगे। ठीक है, जैसे हमारी सोसाइटी में वही हमने पहले भी बात की, जैसे सती सिस्टम था, पर्दा सिस्टम था। ठीक है ना, छोटे छोटे बच्चियों की ही मैरिज कर दी जाती थी, चाइल्ड मैरिज। ठीक है ना, तो ये सब जो थे, ये सोशल रिफॉर्मर्स आए, इन्होंने क्या किया, इन सभी को ख़त्म किया सोसाइटी से, ये सारे इवेंट्स जो थे इनको ख़त्म किया। सती सिस्टम में क्या होता था कि जो जब किसी का हस्बैंड मर जाता था तो उसको भी क्या करते थे, उसके हस्बैंड के साथ जिंदा ही जला देते थे। उसका पर्दा सिस्टम क्या था? पर्दा सिस्टम में ये था कि औरतों को जो है वो 24 घंटे ही एक घूंघट के अंदर रहना है, वो अपना फेस किसी को नहीं दिखा सकती थी। ठीक है, चाइल्ड मैरिज में मतलब जो बच्चियां थी उनकी जो थी छोटी छोटी एज में शादी कर दी जाती थी, 12-13 साल की से भी कम उम्र की, 12-13 साल से भी कम उम्र की लड़कियों की जो थी शादी कर दी जाती थी। और ऐसा नहीं था कि उनकी शादी जो थी वो भी मतलब कि उन्हीं की एज के लड़के से होगी, नहीं, जो लड़का होता था वो काफ़ी बड़ा होता था, बट बच्चियों की जो थी कम उम्र में शादी कर दी जाती थी। इससे जो थी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो थी उनकी हेल्थ से रिलेटेड क्या हो जाती थी, क्रिएट हो जाती थी। ठीक है, फिर जब ये लोग आए, जैसे राजा राममोहन रॉय वगैरह, ईश्वर चंद्र, विद्यासागर, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन इवेंट्स को सोसाइटी से दूर करने के लिए बहुत सारी मूवमेंट्स चलाई। ठीक है ना, बहुत सारे स्टेप्स ऐसे उठाए जिससे क्या हो, ये जो बुराइयाँ थी सोसाइटी की, ये क्या हो, ख़त्म हो। ठीक है, तो इन उन मूवमेंट्स का रिज़ल्ट क्या हुआ, उन मूवमेंट्स का रिज़ल्ट ये हुआ कि ये जो इवेंट्स थे ये सोसाइटी से ख़त्म हो गए। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया था, इन्होंने स्कूल्स ओपन किए थे, स्कूल्स एंड कॉलेजेस फॉर
विमेन, इन्होंने औरतों के लिए क्या किए, स्कूल्स और कॉलेजेस जो थे वो ओपन किए कि उनको क्या करनी है, एजुकेशन देनी है, क्योंकि वो एक तो उनके पास एजुकेशन नहीं होती थी उस बेसिस पे, एजुकेशन तो दी टोटली नहीं दी जाती थी कि लड़कियों को, ये समझा जाता था कि लड़कियों को एजुकेशन देना इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि उनको घर का काम सिखाना ज़रूरी है। तो जब ये लोग आए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्कूल्स और कॉलेजेस ओपन किए सोसाइटी में, क्योंकि इनका मानना ये था कि अगर जो गर्ल्स हैं या वीमेन हैं ये अगर एजुकेट होंगी, पढ़ी लिखी होंगी, तो इनको जो है अपने राइट्स के बारे में पता चलेगा, इनको ये चीज़ पता चलेगी कि सही क्या है और गलत क्या है, क्या जो ट्रीटमेंट हमारे साथ किया जा रहा है, जो बिहेवियर हमारे साथ किया जा रहा है, क्या वो सही है या गलत है। अगर गलत है तो, अगर वो गलत बिहेवियर इनके साथ हो रहा होगा, तो ये पढ़ी लिखी होंगी अगर, तो वो क्या कर सकती हैं, उसके अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठा सकती हैं। इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्कूल्स और कॉलेजेस खोले जिसमें जो था इनका वुमेन के लिए, वुमेन को एजुकेशन देने की जो थी वो पूरी फैसिलिटी थी। ठीक है, उसके बाद हमने एक और सोशल रिफॉर्मर के बारे में हमने पढ़ा था, दैट इज़, अगर आपको याद होगा तो, पंडिता रामाबाई। ठीक है ना, पंडिता रामाबाई ये कौन थी, ये एक सोशल रिफॉर्मर थी और इंडिया में सबसे पहले फीमेल एजुकेशन जो थी वो किसने स्टार्ट की थी, पंडिता रामाबाई ने, किसने स्टार्ट करी थी, पंडिता रामाबाई ने। ठीक है ना, तो ये जो थी ये बहुत ही पढ़ी लिखी थी और ये संस्कृत भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिख लेती थी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। ठीक है, ये बुक इन्होंने लिखी थी और इस बुक में इन्होंने क्या किया था कि इस बुक में इन्होंने अपनी जो थी रिसेंटमेंट दी थी, अपनी नाराज़गी जाहिर की थी, किसके खिलाफ, कि जो सोसाइटी में औरतों के साथ जो बुरा बर्ताव किया जाता था उसके खिलाफ इन्होंने क्या की थी, इन्होंने जो थी अपनी नाराज़गी जाहिर की थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी स्कूल्स ओपन किए थे किनके लिए, जो विडोज़ थी, इन्होंने भी विडोज़ के लिए स्कूल जो थे वो ओपन किए थे। विडोज़ कौन होते हैं, जो विधवा औरतें होती हैं जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी होती है, तो इन्होंने क्या किया था, उनके लिए स्कूल जो थे ओपन किए थे, कहाँ पे ओपन किए थे, बॉम्बे में, कहाँ पे, बॉम्बे में, और उस स्कूल का नाम क्या था, सहर दर्शन, उस स्कूल का नाम क्या था, सहर दर्शन। ठीक है ना, तो इनका मेन मोटिव क्या था, इनका मेन मोटिव ये था कि जो हमारी जो सोसाइटी है उसकी जो सोच है, ठीक है ना, मतलब जो अंधविश्वास में वो बिलीव करते हैं, जो उनकी जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है उसको क्या करना है, चेंज करना है। तो वो जो थी वो अपने इस काम में सक्सेसफुल भी हो चुकी थी। ठीक है, उसके बाद उनको जो था, उनका नाम रामाबाई था, तो उनको जो था पंडिता का टाइटल दिया गया था, किसका टाइटल दिया गया था उनको, पंडिता, और उनको अब पंडिता रामाबाई के नाम से जाना जाता था। पंडिता का टाइटल उनको क्यों दिया, उनको पंडिता का टाइटल इसलिए दिया था क्योंकि वो जो थी संस्कृत बहुत अच्छी तरह से पढ़ भी लेती थी और लिख भी लेती थी, जबकि उस टाइम पे लड़कियों को संस्कृत पढ़ाना या पढ़ना अलाउ नहीं था। ये माना जाता था कि ये जो है ब्राह्मणों को पढ़नी है संस्कृत, ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों के लिए ज़रूरी है क्योंकि उन्हें पंडितों का काम करना है और पंडितों का काम जो है वो औरतें नहीं कर सकती। ठीक है, उसके बाद उनके कुछ कॉमन कंसेप्ट ये थे कि वो ये बोलते थे कि सोसाइटी में जितनी भी डेवलपमेंट्स होती हैं वो डेवलपमेंट्स किसको देख के करनी है, वुमेन को देख के। ठीक है ना, कि वो जो भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं सोसाइटी में, क्या वो वुमेन के लिए बेनिफिशियल है, उनको वो जो है वो उनके लिए सही है या नहीं है,
क्यों ऐसा क्यों करना है, वुमेन को ही क्यों देखना है? क्योंकि वुमेन जो है, वुमेन मदर भी है, वुमेन वाइफ भी है, वुमेन डॉटर भी है, और सबसे मेन कि वो एक मदर है, ठीक है ना। मदर का रोल कौन प्ले करता है? वुमेन प्ले करती है, ठीक है। सही गलत कुछ भी सिखाएगी बच्चों को, कौन सिखाएगी? मदर सिखाएगी। और जो डेवलपमेंट सोसाइटी में हो रही है, अगर वो डेवलपमेंट सही है तो उसके बारे में बच्चों को कौन बताएगी? सबसे पहले मदर ही बताएगी। तो इसलिए वो क्या है, वो कहती थी कि जो भी डेवलपमेंट होनी है वो वुमेन को ध्यान में रख के होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा माना जाता है, आज भी ये चीज़ मानी जाती है कि अगर जो मदर है वो एजुकेट होगी तो ऑटोमेटिकली उनके जो चिल्ड्रन हैं वो भी क्या होते हैं, एजुकेटेड ही होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये आ गया कि उसके बाद उन्होंने कहा कि वुमेन को एम्पावर करना है, उनके जो रोल है उनको, मतलब वुमेन का भी रोल जो है वो होना चाहिए, वो सोसाइटी में भी वुमेन का रोल होना चाहिए, ठीक है ना, इकोनॉमिक फील्ड में भी होना चाहिए और पॉलिटिकल फील्ड में भी क्या है, वुमेन का रोल जो है वो होना चाहिए, ठीक है ना। वुमेन को निग्लेक्ट नहीं करना है बल्कि उनको भी साथ लेके चलना है। अगर कोई भी डिसीजन हम लेते हैं किसी भी फील्ड में, जैसे सोसाइटी के फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड में या पॉलिटिकल फील्ड में, अगर कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो उस डिसीजन में वुमेन का भी इक्वल शेयर होना चाहिए, मतलब वुमेन को भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। डिसीजन जो है, ऐसा नहीं है कि डिसीजन सिर्फ आदमी ही लेंगे, नहीं, उसमें औरतों को भी, औरतों की इन्वॉल्वमेंट भी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो लेकिन जो है ये उन्होंने सिर्फ कहा ही था, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। क्योंकि आज भी अगर आप देखो तो जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें भी आज तक जो है वीमेन 30% सीट्स भी जो है ऑक्यूपाई नहीं कर पाई हैं। वीमेन्स को आज तक 30% सीट्स भी जो है पार्लियामेंट में नहीं मिली है, ठीक है ना। तो इसलिए वो कहता है कि ऐसा नहीं होना, ऐसा होना नहीं चाहिए। उनको क्या करना है, उनका भी जो है शेयर होना चाहिए, उनको भी बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर हम वीमेन को अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, उनको मौके देंगे, तो वो भी क्या कर सकती हैं, अपना बेस्ट दे सकती हैं सोसाइटी को डेवलप करने में, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आज की जो वीमेन है वो एजुकेट नहीं है या वो हार्ड वर्किंग नहीं है या उनको किस चीज़ का पता नहीं है। वो भी जैसे आदमी एजुकेटेड हैं वैसे ही वीमेन भी आज के टाइम की एजुकेटेड हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, वो भी हार्ड वर्किंग है। तो अगर हम उनको अपॉर्चुनिटी देंगे कि हाँ वो भी हमारी सोसाइटी से रिलेटेड, हमारी इकॉनमी से रिलेटेड कुछ डिसीजंस लें, तो वो भी क्या कर सकती हैं, बेटर रोल प्ले कर सकती हैं, वो भी क्या कर सकती हैं, सोसाइटी को डेवलप करने में हेल्प कर सकती हैं। बट इसके लिए ज़रूरी क्या है कि उनको क्या मिलनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है ना। उनका भी रोल होना चाहिए, ठीक है, उनको नेगलेक्ट नहीं करना है। क्योंकि जैसे बोला जाता है कि मैन एंड वुमेन आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है ना, दोनों बराबर हैं। अगर अगर मैन कोई डिसीजन ले सकता है तो वही सेम डिसीजन जो है वो वीमेन भी ले सकती है, ठीक है। तो इसलिए उनको भी क्या होनी चाहिए, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। एक हमने ये पढ़ा था, उसके बाद हमने कल स्टार्ट किया था, जो हमने जिसका हमने सिर्फ एक ही पार्ट किया था, हमने कल स्टार्ट किया था जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है ना, जेंडर इनइक्वालिटी। तो ये जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था कि जेंडर इनइक्वालिटी क्या होती है। एक तो हमने टू टर्म्स का पढ़ा था, एक जैसे कि एक आ गई सेक्स एंड सेकंड आ गई जेंडर, ठीक है ना। सेक्स का हमने पढ़ा था कि ये बायोलॉजिकल है, बट जो जेंडर है ये क्या है, सोशियोलॉजिकल है, यही पढ़ा था, ठीक है ना। कि जो जो सेक्स आ गया ये क्या था, कि मैन और वीमेन को डिफरेंशिएट करना है, मैन और वीमेन को डिफरेंशिएट किया है बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी के स्ट्रक्चर पे उनको डिफरेंशिएट किया गया है।
और ये जो डिफरेंस है ये नेचुरल है, ये हमने बॉडी हमने तो नहीं बनाई, ये तो नेचर की तरफ से बनी हुई है। तो ये जो डिफरेंस आ जाता है ये बायोलॉजिकल आया जाता है, लेकिन जो जेंडर है ये क्या है, सोशोलॉजिकल है, ठीक है ना। इसमें जो मैन और वुमेन में डिफरेंस किया जाता है वो किस बेसिस पे किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल्स, बेसिस ऑफ देयर रोल्स, ठीक है ना, कि वो उनका सोसाइटी में रोल क्या है, उस बेसिस पे जो है उनको डिफरेंशिएट किया गया है। जैसे हमने हम बात कर सोसाइटी ने क्या कर दिया है कि जो वीमेन है वो क्या करेंगी, घर का काम ही करेंगी, ये किसने डिसाइड किया, सोसाइटी ने। और मैन जो है वो क्या करेंगे, बाहर जाके जॉब करेंगे और मनी जो है अर्न करेंगे, ठीक है। क्यों, जो औरतें हैं क्या वो जॉब नहीं कर सकती, क्या वो मनी अर्न नहीं कर सकती, लेकिन सोसाइटी ने क्या कर दिया है, जो वर्क है उसको डिवाइड कर दिया है कि औरतें सिर्फ घर का काम देखेंगी और मेन जो है वो जॉब करेंगे, ठीक है ना। तो ये आ गया सोशियोलॉजिकल, जेंडर इनइक्वालिटी जो है ये सोशियोलॉजिकल आ गई, ठीक है। तो इसी जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में हमने पढ़ना है। तो कह क्या पढ़ा था हमने कल, कि ये जो जेंडर इनइक्वालिटी ये आज के टाइम से नहीं है, ये बहुत पहले से मतलब राजा महाराजाओं के टाइम में भी यही था कि जो औरतें थी वो जो है एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं देखती थी, वो राजपाट का काम नहीं देखती थी, उनका जो लिमिट थी वो, उनकी जो बाउंड्री थी वो कहाँ तक थी, वो सिर्फ थी किचन तक। उन्होंने क्या करना है, सिर्फ किचन का काम देखना है, उन्होंने घर का काम देखना है, उन्होंने फैमिली देखनी है, उन्होंने चिल्ड्रन देखने, बस उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकती थी, ठीक है ना। तो यही इसमें भी यही बताया कि जेंडर इनइक्वालिटी क्या है, जेंडर इनइक्वालिटी में भी यही है कि वो इनइक्वालिटी कि उनको डिफ्रेंशिएट किया गया मैन और वुमेन को ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल, कि जो रोल्स उनको दिए गए हैं उनके बेसिस पे उनको डिफ्रेंशिएट कर दिया गया है, ठीक है ना। कि अगर कोई आदमी जो है वो घर का काम करता है तो उसको बोलते हैं कि तुम क्या औरतों वाले काम कर रहे हो, मतलब वो काम औरतों का है, वो आदमी नहीं कर सकते। तो ये क्या आ गई, एक डिफ्रेंशिएशन आ गई, ठीक है ना। तो जेंडर इनइक्वालिटी कहता है सोसाइटी में आज से नहीं है, ये जो है सदियों से चली आ रही है, बहुत टाइम पहले से ही ये इनइक्वालिटी चली आ रही है, और आज भी ये, चाहे हम कितना भी पढ़ लिख गए हैं लेकिन आज भी ये इनइक्वालिटी जो है ये आज भी हमारी सोसाइटी में है। और ये इनइक्वालिटी सिर्फ एक जगह पे नहीं पाई जाती, आप कहीं पर भी चले जाओ, किसी भी फील्ड में चले जाओ, वहाँ पर आपको जेंडर इनइक्वालिटी मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले कल हमने जो बात की थी, हमने बात की थी इनइक्वालिटी इन फैमिली। सबसे पहले फैमिली में, क्योंकि कोई भी चीज़ है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, वो फैमिली से ही स्टार्ट होती है, ठीक है ना। उसके बाद जो है, उसके बाद वो आगे हम जैसे जैसे हम स्कूल जाते हैं, सोसाइटी में लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वैसे वैसे वो चीज़ बाहर स्टार्ट होती है। लेकिन सबसे पहले हम किसके कांटेक्ट में होते हैं, अपने पेरेंट्स के, अपनी फैमिली के। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ जब स्टार्ट होती है तो वो कहाँ से स्टार्ट होती है, फैमिली से, ठीक है ना। तो वो कहता है कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है ये भी सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होती है, फैमिली से। और फैमिली से भी पहले से ये क्या होती है, बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। जैसे हमने बात करी थी कि आजकल काफ़ी सारे जो ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिससे कि बर्थ से पहले ही पता चल जाता है कि जो बेबी है वो बॉय है या गर्ल है, ठीक है ना। तो अगर वो तो बॉय होगा तब तो ठीक है, अगर वो गर्ल होगी तो कई बार लोग क्या करते हैं, उसको बर्थ से पहले ही उसको मार देते हैं, ठीक है ना। तो वो भी क्या आ गई, इनइक्वालिटी आ गई कि फैमिली में जो बॉय का जो बर्थ है उसको तो एक्सेप्ट किया जाता है, बट जो गर्ल का बर्थ है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, ठीक है ना। बॉय को अच्छी एजुकेशन दी जाएगी बट गर्ल को नहीं दी जाती है। गर्ल को ये बोला जाता है कि इसने क्या करना है, इसके लिए ज़रूरी यही है कि ये जो है हाउस होल्ड का काम सीखे, घर का काम सीखे, क्योंकि इसको आगे जाके क्या बनना है, एक अच्छी मदर बनना है और एक अच्छी वाइफ बनना है। तो इसीलिए इसके लिए ज़रूरी क्या है, ये क्या घर का काम सीखे और मदर की हेल्प करे किचन में। एजुकेशन को गर्ल्स के लिए इम्पोर्टेंट आज भी नहीं माना जाता है, ठीक है ना। तो इसी वजह से जब हम ऐसा भेदभाव करते हैं तो जो घर के जो बच्चे हैं उनमें ऑटोमेटिकली ये
वाली फीलिंग आ जाती है कि अगर कोई बॉय होगा जब उसको हर जगह से अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो उसमें भी एक ये चीज़ आ जाएगी कि मैं जो हूँ मैं बेस्ट हूँ, ठीक है। तो फिर बच्चे आपस में भी एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ मुझे अच्छे, मेरे साथ अच्छे से बर्ताव कर रहे हैं, इसका मतलब कि मैं जो हूँ मैं बेस्ट हूँ। तो वो भी क्या करेंगे, वो भी फिर गर्ल को इनफीरियर शो करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। इस तरह से कहते हैं कि ये चीज़ जो है ये नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को रिमूव करना है। फैमिली से ही हर चीज़ स्टार्ट होती है, तो हमें फैमिलीज को ही इतना अवेयर होना पड़ेगा कि वो क्या करें, वो बेटे और बेटियों में फ़र्क ना करें, ठीक है ना। क्योंकि अगर हमें अपनी कंट्री को, अपनी सोसाइटी को डेवलप करना है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है ये ख़त्म करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। क्योंकि अगर गर्ल्स और बॉयज़ के साथ हम ऐसे ही डिस्क्रिमिनेट करते रहेंगे, तो बॉयज़ कितना ही कंट्रीब्यूट कर लेंगे सोसाइटी को डेवलप करने में। अगर बॉयज़ के साथ साथ अगर गर्ल्स भी अपना एक रोल प्ले करेंगी, तो डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा होगी और जल्दी होगी। क्योंकि किसी भी काम को अगर ज़्यादा लोग करते हैं, तो वो काम जल्दी ख़त्म होता है, ठीक है ना। अगर अकेला आदमी एक काम कर रहा है, तो उसको टाइम लगेगा, लेकिन अगर वहीं पे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो वो काम क्या है, जल्दी से ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर हमें सोसाइटी को जल्द से जल्द डेवलप्ड बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ख़त्म करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये तो आ गई फैमिली की बात। अब आ जाती है, फैमिली के बाद बच्चा कहाँ जाता है, स्कूल में, ठीक है ना। फैमिली के बाद वो कहाँ जाता है, स्कूल में। तो वहाँ पर भी कहते हैं क्या होती है, इनइक्वालिटी होती है, ठीक है ना। वहाँ पे भी क्या होती है, इनइक्वालिटी होती है स्कूल्स में। तो कहते हैं कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ये भी क्या करता है, जेंडर डिफरेंस को क्रिएट करने में, स्कूल भी क्या करता है, जेंडर डिफरेंसेस को क्रिएट करने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे कि कहते हैं कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं क्या करती हैं, जेंडर डिफरेंसेस क्रिएट करती हैं। क्योंकि उसमें भी क्या बताया जाता है, उसमें भी वो जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, वो भी किस आइडियोलॉजी पर बेस होती हैं कि जो जेंडर इनइक्वालिटी हमारी सोसाइटी में है, टेक्स्ट बुक भी उसी पर बेस होती हैं। उसमें भी ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स दी जाती हैं जिससे क्या शो होता है, जेंडर डिफरेंस शो होता है, ठीक है ना। बॉयज़ के ऊपर जो है वो ज़्यादा एग्जाम्पल्स दी जाएंगी, गर्ल्स के ऊपर कम एग्जाम्पल्स दी जाएंगी। बॉयज़ के लिए अच्छे एग्जाम्पल्स का यूज़ होगा, गर्ल्स के लिए गलत एग्जाम्पल्स का यूज़ होगा। तो ये क्या आ जाती है, ये भी डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है। क्योंकि स्कूल क्या है, स्कूल को बोला जाता है कि स्कूल इज़ अ जो है वो जो जो सोसाइटी है, सोसाइटी का एक आईना है। मतलब पूरी सोसाइटी जो है वो एक स्कूल में, जैसे सोसाइटी में हर तरह तरह के बच्चे लोग होते हैं, वैसे स्कूल में भी एक अलग तरह तरह के क्या होते हैं, स्टूडेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं कि स्कूल को एक छोटी सोसाइटी बोला जाता है। तो अगर वहीं पे डिस्क्रिमिनेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, वहीं पे इनइक्वालिटी होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर आगे तो हम क्या ही उम्मीद रखेंगे, है ना। कि स्कूल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्या करे, वो जो है इस तरह की इनइक्वालिटी शो ना करे। लेकिन स्कूल्स में भी क्या होते हैं, जेंडर डिफरेंसेस को क्रिएट किया जाता है, ठीक है ना। ये तो आगे टेक्स्ट बुक की बात। अब जो टीचर्स हैं, टीचर्स भी जो है वो जेंडर डिफरेंसेस जो है क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। जैसे मान लो को एजुकेशन चल रही है, उस सेम क्लास में बॉयज़ भी हैं गर्ल्स भी हैं, तो टीचर क्या करते हैं, टीचर जो है वो ज़्यादा का ज़्यादा ध्यान बॉयज़ पर देंगे, ठीक है ना। उनकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उनको इनकरेज करेंगे आगे बढ़ने के लिए। बट जो गर्ल्स हैं उनकी तरफ वो इतना ध्यान नहीं देते, उनको क्या कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं जैसे कि अब जो दलित लोग हैं, दलित आगे, आदिवासी आगे, ठीक है ना। तो ये जो लोग होते हैं, जो SC ST आगे, इन लोगों में क्या होता है, सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट होता है। ड्रॉप आउट का मतलब क्या होता है कि जब कि वो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे स्कूल में एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन एक क्लास या दो क्लास पढ़ने के बाद वो क्या करते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं, ठीक है ना, स्कूल छोड़ देते हैं। अब कहते हैं ये जो दलित हो गए या आदिवासी हो गए, ये क्या है, इनमें ड्रॉप आउट रेट सबसे ज़्यादा होता है।
इनकी गर्ल्स का ड्रॉप आउट रेट जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। क्यों क्यों, उसके कुछ रीजंस हैं। जैसे सबसे पहले तो ये लोग कहाँ रहते हैं, दूर दराज के एरिया में रहते हैं, ठीक है ना, ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ पर इनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, तो वहाँ पर इनको स्कूल्स भी नहीं मिलते, ठीक है ना, नो स्कूल्स। सबसे पहले तो स्कूल की ही फैसिलिटी नहीं होगी, होगी भी तो स्कूल बहुत दूर होगा, तो ये लोग तो इतनी दूर तो अपने बच्चों को भेजेंगे नहीं, ठीक है ना, तो कि स्कूल की फैसिलिटी ही नहीं है तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ, ठीक है, एडमिशन कहाँ लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर स्कूल मिल भी गया, पास में अगर स्कूल है भी है, तो उस स्कूल में टीचर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये लोग कहाँ रहते हैं, ये दूर दराज के एरिया में रहते हैं, दूर दराज के एरिया में जो स्कूल बनेगा भी, वहाँ पे टीचर जो अपॉइंट करेंगे वो भी दूर दराज के इलाकों से ही होगा, तो टीचर अपॉइंट बेशक कर दे पर टीचर जाएंगे ही नहीं इतनी दूर पढ़ाने के लिए, है ना। तो कहते हैं सबसे पहले तो स्कूल होगा ही नहीं, और मान लो कि स्कूल ओपन कर भी दिया तो उसके बाद वहाँ पे क्या होगा, टीचर ही नहीं होंगे, ठीक है ना। चलो टीचर भी अगर आ गए, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। चलो अब उसके बाद आ जाता है कि अगर स्कूल भी मिल गया, टीचर भी मिल गया, ट्रांसपोर्ट भी चलो मिल गया, लेकिन ये लोग इतने एफिशिएंट नहीं होते कि जो एजुकेशन की कॉस्ट है उसको ये फुलफिल कर सकें, उसको ये पूरा कर सकें। कॉस्ट जो है, क्योंकि आजकल के टाइम में जो स्कूल्स हैं उनकी जो फीस है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये जो है उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, इसीलिए भी इनके जो बच्चे होते हैं उनका वो क्या करते हैं, ड्रॉप आउट कर जाते हैं, ठीक है। तो इन सब से चलो कैसे 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 करके अगर कर भी दिया, स्कूल भी है, टीचर भी है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी है, चलो कॉस्ट भी वो लोग दे देंगे, कुछ ना कुछ करके कॉस्ट भी दे देंगे, पर ये सारा कुछ वो करेंगे किसके लिए, बॉयज़ के लिए। गर्ल्स के लिए कोई इतना एफर्ट नहीं करेगा कि हाँ गर्ल्स को भी एजुकेशन देनी, तो इन सब चीज़ों का अल्टीमेट जो इफेक्ट है वो किन पे पड़े, बॉयज़ पे पड़ेगा, ठीक है ना, कि चलो उनको स्कूल भेज देंगे, उनको टीचर भी है, ट्रांसपोर्ट भी है, कॉस्ट भी दे दी, तो मतलब उसका फ़ायदा किसको हुआ, बॉयज़ को, गर्ल्स तो फिर रह गई, तो यहाँ पे इनके साथ क्या हो गई, इनइक्वालिटी हो गई, ठीक है ना। तो ये सारे रीजंस जो हैं, ये क्या है, जो एजुकेशन को, एजुकेशन के रास्ते में क्या है, ये कुछ बैरियर्स हैं, ठीक है ना। तो अगर एजुकेशन बाय द वे मिल भी गई तो वो किसको मिलती है, बॉयज़ को मिलती है, गर्ल्स को नहीं मिलती, ठीक है। और इन सभी को देखते हुए क्या हुआ था, कुछ वीमेंस ने क्या की थी, मूवमेंट्स चलाई थी, ठीक है ना, क्या होना चाहिए कि हमें भी बराबर का राइट मिलना चाहिए सोसाइटी में, इकोनॉमिक फील्ड में, पॉलिटिक्स में, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में। तो कुछ क्या हुई थी, वुमेन्स मूवमेंट चली थी, तो अब हम उसी के बारे में बात करेंगे कि वो कौन कौन सी वुमेन्स मूवमेंट थी, किसने ये मूवमेंट्स चलाई थी, क्यों ये मूवमेंट, इन मूवमेंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, और इन मूवमेंट्स का जो था वो क्या इफेक्ट हुआ, ठीक है ना। तो कहते हैं कि जो वुमेन की जो वेलफेयर के लिए, जब मतलब कहते हैं कि जो वुमेन की वेलफेयर के लिए जो एक्टिविटीज की गई, कि उनके वुमेन की जो पोजीशन है, जो स्टेटस है, उसको सुधारने के लिए जो भी एक्टिविटीज की गई, उसके लिए इंडिया में बहुत से ऐसे स्टेप्स लिए गए जिनसे क्या हो, उनकी जो वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं वो क्या रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है ना, उनको कॉन्स्टिट्यूशन की सपोर्ट मिले, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड मिले, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की उनको क्या मिले, सुरक्षा मिले, ठीक है, और उनको क्या मिले, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, मतलब एक सही सिस्टम मिले, सिस्टमेटिक तरीके से वो एक्टिविटीज़ जो हैं वो अप्लाई की जाए, ताकि जो वुमेन है उनकी क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके, ठीक है ना। तो कहते हैं जो वुमेन की डेवलपमेंट है, वुमेन की डेवलपमेंट है, ये इंडिपेंडेंस के टाइम से ही डेवलपमेंटल प्लानिंग का क्या है, सेंटर है,
जो डेवलपमेंटल प्लानिंग है उसका सेंटर क्या है, वो किसको देख के डेवलपमेंट प्लान इशू करती है, वो विमेन को देख के, कि जो भी हम डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाएंगे उसका असर, उसका कोई कुछ फ़ायदा विमेन को होगा, अगर होगा तो क्या होगा, कितना होगा, ठीक है ना। उसमें सेंटर कौन है, विमेन है। डेवलपमेंट प्लानिंग का सेंटर कौन है, वो है विमेन है, ठीक है ना। तो कहता है कि लास्ट 42 ईयर से जो है पॉलिसीज बनाई जा रही हैं उनमें बहुत सी ऐसी चेंजेस लाई गई हैं, ठीक है ना। बहुत सी ऐसी चेंजेस जो है वो लाई गई हैं, किसमें जो बहुत सी ऐसी चेंजेस जो है वो लाई गई हैं जिनसे क्या हो, ये जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आया था वेलफेयर का, ठीक है ना। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आया था वेलफेयर का, यह था 1970s में, कि औरतों की क्या करनी, वेलफेयर करनी है। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होता गया, बहुत सी इसमें चेंजेस आती गई और ये जो कॉन्सेप्ट है ये चेंज होते गए। सबसे पहले 1970 में आया वेलफेयर कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब इसमें कुछ चेंजेस आई तो 1980 में इस वेलफेयर की जगह पे क्या आ गया, डेवलपमेंट। कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया, डेवलपमेंट का, ये आया था 1980 में। सबसे पहले था कि वुमेन की वेलफेयर करनी, उसके बाद उनकी डेवलपमेंट करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1990s में क्या आ गया, इसकी जगह पर एम्पावरमेंट आ गया, कि वुमेन का एम्पावरमेंट करनी, उसको सशक्तिकरण करना है, उसको इतना एबल बनाना है कि वो खुद अपने फीट पे क्या हो सके, स्टैंड हो सके, ठीक है ना, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, ठीक है। अब जो ज्यादा जोर दिया जा रहा है वो किस पे दिया जा रहा है, कि जो वुमेन है उनको क्या करना है, उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना है, ठीक है ना। कि वुमेन का रोल जो है वो डिसीजन मेकिंग में भी होना चाहिए, कि कोई भी फैसला अगर लेना है तो उसमें सिर्फ मेन ही नहीं होना चाहिए, उसमें वुमेन भी होनी चाहिए। तो इस पे क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने क्या किया, 2001 जो 2001 ईयर था उसको इंडिया की गवर्नमेंट ने किस ईयर के नाम से जो था डिक्लेयर किया था, उसको किया गया था ईयर ऑफ एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, ठीक है ना। 2001 को किस नाम से जाना जाता था, ईयर ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के नाम से, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए जो स्ट्रगल हुई वो क्या थी, वो बहुत लंबी थी, ठीक है, और मुश्किल थी, बहुत ज़्यादा लंबी थी और मुश्किल थी। क्योंकि सबसे पहले वेलफेयर की बात होती थी, कि इनकी क्या करनी, वेलफेयर करनी है। उसके बाद इनकी क्या करनी, डेवलपमेंट करनी है। देन उसके बाद क्या आया, कि इनकी क्या डेवलपमेंट के बाद क्या आया, कि इनकी क्या होनी चाहिए, एम्पावरमेंट होनी चाहिए, इनको हर फील्ड में जो है वो बराबर का राइट मिलना चाहिए, ठीक है ना। इनको डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व करना है, अगर कोई डिसीजन लेना है तो वो सिर्फ मैन को देख के ही नहीं लेना है, उसमें वीमेन की इन्वॉल्वमेंट भी क्या करनी है, हमें इन्वॉल्व करनी है, ठीक है ना। तो कहता है कि जो वुमेन्स की पॉलिटिकल की पॉलिटिक्स के फील्ड में जो वुमेन की इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, ये जो कंसेप्ट था ये सबसे पहले कब राइज हुआ, ये हुआ था नेशनल मूवमेंट के दौरान। कब राइज हुआ था ये, नेशनल नेशनल मूवमेंट के दौरान ये कॉन्सेप्ट जो था राइज हुआ था, ठीक है ना, जिसमें जो विमेन थी उन्होंने भी पार्ट लिया था इस मूवमेंट में। तो उस टाइम ये आया था कि विमेन का जो है, विमेन को पॉलिटिक्स में भी क्या होनी चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए, पॉलिटिकल फील्ड में भी उनको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, ठीक है ना। जब उन्होंने उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया उसके बाद ये इशू जो था वो राइज हुआ, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, 1917 में क्या हुआ, जो इंडियन वुमेन थी उन्होंने किसका इशू रेज किया था, कि हमें क्या करना है, हमें जो है पॉलिटिक्स में हमें भी
इक्वल शेयर मिलना चाहिए कि हम भी पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। और उसके बाद उन्होंने क्या किया था, उसके बाद उन्होंने डिमांड की थी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की। ठीक है ना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब कि जितनी भी औरतें हैं जो हैं, जब वो 18 ईयर से अबव हो जाती हैं, तो उनको क्या राइट मिलना चाहिए, उनको वोट डालने का जो है वो राइट मिलना चाहिए। और ये डिमांड कब उठाई थी औरतों ने, 1917 में। ठीक है, कब उठाई थी, 1917 में। उसके बाद क्या हुआ, 1929 में क्या हुआ, 1929 में औरतों को जो था वोट देने का राइट मिल गया। ठीक है ना, 1929 में उनको जो था वोट देने का राइट मिल गया। और वो किस बेसिस पे वोट दे सकती थी, प्रॉपर्टी के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे वो क्या कर सकती थी, वोट दे सकती थी। ठीक है ना, उसके बाद एक एक्ट आया 1935 में, 1935 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। क्या नाम था जिसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, ये कब आया था, 1935 में आया था। तो इस एक्ट के बाद क्या, इस एक्ट में क्या था कि जितनी भी वुमेन 21 ईयर्स की जितनी भी वुमेन है, 21 ईयर्स तक जितनी भी वुमेन है, उनको वो क्या कर सकती थी, वो वोट दे सकती थी। ठीक है ना, वही ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड प्रॉपर्टी, जो उनके लिए क्राइटेरिया रखा गया उस बेसिस पे वो क्या कर सकती थी, वोट दे सकती थी। ठीक है ना, तो उसके बाद क्या हुआ, जो वुमेन थी वो पॉलिटिकल, उनका जो रोल था वो उनका मतलब उनको रोल, वो रोल जो था वो प्ले करने लगी। लेकिन वो प्ले उनका जो रोल था वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता था, मतलब उनको कम इम्पोर्टेंस दी जाती थी। ठीक है ना, उनको क्या किया जाता था, कम इम्पोर्टेंस दी जाती थी। ठीक है, जैसे समझ लो कुछ मतलब पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में उनको बहुत कम इम्पोर्टेंस दी जाती थी। जैसे कुछ एक्टिविटीज़ आ गई, जैसे आ गई कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड मूवमेंट चलानी है, इसमें भी क्या था, उनका जो रोल था वो बहुत कम था। ठीक है ना, उसके बाद जैसे आ गई एंटी अल्कोहल एजिटेशन, ये भी क्या था, एक एजिटेशन क्या होता है, आंदोलन होता है ये भी। ठीक है ना, तो किसके लिए, अल्कोहल बैन करने के लिए। ठीक है, तो इसमें भी क्या था, इसमें भी औरतों को जो था वो रिप्रेजेंटेशन करने का, रिप्रेजेंट करने का मौका नहीं मिला था, मिलता था। ठीक है ना, तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारे स्टेट्स में क्या हुआ, जो रिलेशनशिप्स थे वो क्या हो गए, उस पे असर पड़ा। ठीक है ना, लेकिन उसके बावजूद भी जो पॉलिटिक्स थी वो क्या हुई, वो जो थी पॉलिटिक्स जो थी, उसके बावजूद भी पॉलिटिक्स जो थी वो वुमेन के लिए एक मतलब एक ऐसा एरिया साबित हुई जहाँ पे उनके लिए रहना क्या था, थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि उनको पार्टिसिपेट करने का उसमें मौका ही नहीं मिलता था। उनको मतलब उनका कोई भी रोल जो था वहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं था। एक्ट तो पास हो गए, राइट तो उनको मिल गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो थे वो किसी भी फील्ड में, किसी मूवमेंट में जो था डिसीजन नहीं ले सकती थी, डिसीजन मेकिंग की जो पावर थी वो उनके पास नहीं थी। तो इसलिए ये जो पॉलिटिक्स का एरिया था ये उनके लिए क्या था, इस एरिया में उनके लिए रहना थोड़ा मुश्किल था। ठीक है ना, उसके बाद क्योंकि ये जो ये इन उनको इतने राइट मिलने के बाद, इन इतना कि वोट का राइट मिलने के बाद, उसके बावजूद भी ये जो पॉलिटिक्स का एरिया था ये जो था ये मेल
मेल बेस्टन था। मेल बेस्टन मतलब मेल्स का एरिया था ये, ठीक है ना, किसका एरिया था, मेल्स का ही एरिया था, जिसमें जो विमेन की एंट्री जो थी वो क्या थी, रिस्ट्रिक्टेड थी, ठीक है ना, कि विमेन जो है इस फील्ड में नहीं आ सकती, ठीक है। विमेन जो थी इतने राइट मिलने के बाद भी वो क्या थी, वो क्या थी, इनविजिबल थी, क्योंकि उनको आगे आने का मौका ही नहीं मिलता था, तो वो जो थी वो इनविजिबल थी, ठीक है, और मार्जिनलाइज्ड थी, मतलब क्या थी, मार्जिनलाइज्ड होता है सीमित थी वो, ठीक है ना, वो डिसीजन मेकिंग बॉडीज में भी उनका कोई रोल दिखाई नहीं देता था कि हाँ औरतें जो हैं डिसीजन मेकिंग में अपना रोल प्ले करें, नहीं, क्योंकि वो क्या थी, इनविजिबल थी। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक कमेटी सेटअप हुई, कमेटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, कमेटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। उसके बाद एक कमेटी सेटअप हुई जिसका नाम था कमेटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, ठीक है। और ये कब हुई थी, ये कमेटी कब सेटअप हुई थी, सितंबर 1971 में, ठीक है ना। और इस कमेटी के बाद ही क्या हुआ था, इस कमेटी के बाद जो थी वो उनको जो था उनकी जो पार्टिसिपेशन थी पॉलिटिक्स में वो होनी स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना। तो ये जो कमेटी थी इसने क्या किया था, इसने रिपोर्ट बनाई थी एक, जिसका टाइटल था टू वर्ड्स इक्वालिटी। रिपोर्ट का टाइटल क्या था, टू वर्ड्स इक्वालिटी, ठीक है। और ये कब हुई थी, 1974 में। ये रिपोर्ट कब बनाई गई थी, 1974 में, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया जाता था, इसमें इसका क्या था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको क्या करना है, उनको विमेन वोटर्स का और सिटीजन्स का जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसे वो आदमियों का ध्यान रखते हैं, जैसे वो मेल्स को ट्रीट करते हैं, वैसे ही जो है फीमेल वोटर्स को भी क्या करना है, ट्रीट करना है। किसने ट्रीट करना है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या था कि उसके बाद एक वर्ड था टोकनिज्म, ठीक है, एक वर्ड था टोकनिज्म। तो टोकनिज्म का मतलब क्या होता है, कि इशारा करना, ठीक है ना, क्या मतलब होता है, इशारा करना। तो कहता है कि ये जो टोकनिज्म था इसमें क्या था कि बहुत सी औरतें जो थी, जो लेजिस्लेचर में, जो एग्जीक्यूटिव में बहुत सी औरतें जो थी, जो क्या करती थी, वो स्पोक्स पर्सन, मतलब स्पोक्स पर्सन बनने के एबल नहीं थी, काबिल नहीं थी। मतलब स्पोक्स पर्सन कौन होता है, जो बोलता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे जो स्पीच वगैरह देता है उसके, वो उसके लिए वो अनेबल थी, ठीक है। तो वो कहता है कि जो टोकनिज्म था, टोकनिज्म क्या था, टोकनिज्म को उन्होंने क्या बोला कि ये था इनहेरेंट था, ठीक है ना। इनहेरेंट मतलब जन्म, मतलब इनहेरिटेड था, जैसे कि उनके उनके पेरेंट्स में भी था, फिर उनके पेरेंट्स के पेरेंट्स में भी था। तो वो कहता था कि ये जो टोकनिज्म था ये क्या था, इनहेरेंट था, ठीक है ना। इनहेरेंट किस में था, कि वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स को जोड़ने के लिए टोकनिज्म को उन्होंने इनहेरेंट बोला है। और उनको किसे रिप्रेजेंटेटिव्स, किससे, इलेक्शन में, ठीक है, वुमेन को आप एक टोकनिज्म के उस पे यूज़ कर सकते थे, या उनको वुमेन को क्या, को ऑप्शन, एक को ऑप्शन भी बोला जाता। को ऑप्शन मतलब कि अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो उसके
तो उसकी जगह पर आप क्या था, वुमेन का जो था उनको यूज कर सकते थे, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है रिजर्वेशन का, ठीक है, किसकी बात आ जाएगी अब, रिजर्वेशन की, किसकी किसकी रिजर्वेशन, वीमेन की। तो कहता है यहाँ तक जो है रिजर्वेशन की बात है, सीट्स की रिजर्वेशन की बात है, तो ये क्वेश्चन जो था ये किसके ऊपर छोड़ दिया गया है, ये छोड़ा है नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वुमेन, ठीक है, जो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान था वुमेन के लिए उसके ऊपर इसका जो है रिजर्वेशन का क्वेश्चन जो है उसके ऊपर छोड़ दिया गया। तो उसने क्या बताया कि जो वुमेन की जो है, वुमेन की पोलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है वो क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है ना, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, और 30% कोटा जो है वुमेन को दिया गया है ऑल लेवल्स ऑफ इलेक्टिव बॉडी, इलेक्टिव बॉडी के जितने भी लेवल्स हैं उस पे जो है वुमेन को कितना कोटा दिया गया है, 30% का कोटा जो है उनको दिया गया है, ठीक है ना। तो ये जो रिजर्वेशन की प्रोसेस थी ये कब स्टार्ट हुई, ये स्टार्ट हुई थी जब राजीव गांधी जो थे वो क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है ना। तो उन्होंने वुमेन के लिए जो थी वो रिजर्वेशन की प्रोसेस जो थी वो स्टार्ट की थी, ठीक है। तो ये सारा का सारा इशू था ये क्या बन गया, ये एक पॉलिटिकल ह्यू बन गया, ठीक है ना, मतलब ये इसमें सारा का सारा पॉलिटिक्स ही आ गई थी, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, ठीक है ना, ये सारा सारा इशू जो था ये पॉलिटिकल ह्यू बन गया जब